हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञानशिला में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है एसएससी में, उसको लेकर के आपके कई सारे सवाल आ रहे हैं कि कैसे इतने कम समय में इसको स्कोर करने लायक बनाया जाए। यानी कि जो समय हमारे पास बचा हुआ है, उस समय में ऐसी क्या तैयारी की जाए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में। अल्टीमेटली ये बात तो हम समझते हैं कि हमें एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। हमसे ये कोई नहीं पूछ रहा कि हमारी हिस्ट्री में कितनी कमांड है, या ज्योग्राफी में कितनी कमांड है, या पॉलिटी में कितनी कमांड है। ठीक है, वहाँ पर आपसे ये कोई नहीं पूछ रहा है। अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू चेक किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना पढ़ने के लिए, वो डिपेंड करती है टाइम पर। हम अकॉर्डिंग टू टाइम ही स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास में अभी 10 से 11 महीने होते हैं, तो मैं आपको ज़रूर कहता कि आप एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आपकी कमांड अच्छी बने सब्जेक्ट्स के ऊपर। बट अभी इतना समय आपके पास है नहीं, 4.5 महीने आपके पास बचे हुए हैं, और इन 4.5 महीनों में आपको क्वांट भी अच्छे से करना है, इंग्लिश भी अच्छे से करना है, और रीजनिंग भी पढ़ना है। और क्वांट और इंग्लिश आपको ऐसा करना है कि आपको टीयर 2 में भी काम आने वाला है, वहाँ पर आपको स्कोर करना है। और तीसरी बात है कि आप जब डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लैंग्वेज तो कमांड होना चाहिए। तो अभी जो समय आपके पास में है, इस समय को आप इंग्लिश में देना चाहोगे, क्वांट को देना चाहोगे, और कोशिश यही होगी कि जो जीए वाला सेक्शन है उसको हम कम से कम समय दें, लेकिन उस कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। मतलब लेस एफर्ट्स मोर आउटकम। तो ये हम क्या ऐसा क्या करें, ऐसा क्या कर सकते हैं? डिटेल में पढ़ना, डिटेल में सब्जेक्ट्स को पढ़ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा और समझदारी भी नहीं होगी। देखिए, अगर आप देखें पूरा सिलेबस स्टैटिक जीके का एटलीस्ट, तो स्टैटिक जीके में हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, 4 पार्ट में तो केवल हिस्ट्री ही है। इसके बाद ज्योग्राफी उठाएंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और इंडिया जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की बाय एरिया, तो ज्योग्राफी भी अपने आप बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये भी कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। फिर आप साइंस की बात करें तो उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिर इसके बाद आप पॉलिटी देखेंगे तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सारे आर्टिकल्स हैं, उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे या आप कोई कोर्स करते हो, कोचिंग भी करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप नुकसान में चले जाओगे, अपने टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट कर चुके होगे। तो मैं आपको तीनों ही चीज़ के लिए मना करूँगा। मतलब कि अगर आप यूट्यूब पर भी कोई वीडियोज़ बना रहा है और फ्री में आपको दे रहा है कोर्सेज का, हिस्ट्री का लेक्चर्स या ज्योग्राफी के लेक्चर्स, तो मैं आपको स्ट्रिक्टली मना करूंगा कि आप ये काम बिल्कुल मत करना। आप किसी भी कीमत पे अपना लेक्चर्स देखने में, या कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने में, या टेक्स्ट से पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें। इवन कोई बुक आप पढ़ते हैं, आपको मज़ा भी आ रहा है हिस्ट्री पढ़ने में ना, तो भी आप मत पढ़ो। जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करो, क्योंकि आपका पर्पस सब्जेक्ट में मास्टरी करना नहीं है, आपका पर्पस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दैट्स इट, हमारा पर्पस ये है। इस सेक्शन में 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 50 मार्क्स का पेपर है आउट ऑफ 700, तो इसका परसेंटेज वैसे ही बहुत कम है। और उसके बाद फिर ये जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस वाला, ये समुंदर होता है, और सबसे कम पॉसिबिलिटी, मतलब जैसे आप एफर्ट लगाते हो ना, तो एफर्ट लगाने के बाद जो आउटकम आता है, वो जो रेशियो होता है, वो सबसे कम इसी का होता है। आप क्वांट में जितनी मेहनत करोगे, जितनी एक्यूरेसी बढ़ाओगे, तो आपका पॉसिबिलिटी होती है कि अच्छा स्कोर आप कर पाओ, लेकिन जनरल अवेयरनेस में ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्कोर भी अच्छा ना कर पाएँ। तो मैं क्या तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहुत जल्दी, मतलब जो समय बचा हुआ है उसमें जितनी मेहनत आप करो, उसका आपको फल एक्चुअली मिल जाए बस। तो फ्रेंड्स, दोनों ही के पार्ट के लिए आपको, जैसे आप जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक सेक्शन होता है आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट, जिसमें स्टैटिक जीके होता है, उसके बाद दूसरा वाला होता है करंट अफेयर्स वाला पार्ट। दोनों के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है। एक निश्चित समय आप दिन का दे रहे हैं उसको, लगभग 2 घंटा भी देते हैं तो बहुत है, इट इज़ मोर देन इनफ, और काफ़ी इफेक्टिव तैयारी आपकी हो सकती है। तो पहले मैं आपको स्टैटिक जीके के बारे में बताता हूँ कि स्टैटिक जीके आप तैयार कैसे कर सकते हो, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा कि करंट आपको कैसे पढ़ना है। देखिए, एक चीज़ आपको पहले कुछ जानना जरूरी है कि 2015 तक जो एसएससी क्या करता था, जब 50 क्वेश्चंस का पेपर होता था, मतलब अभी 25 जो आ रहे हैं, वो पहले 50 क्वेश्चन आते थे जीए के। उस 50 क्वेश्चन में भी आपको पता है कि करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी कम होता था, मुश्किल से 4 या 5 या 6 क्वेश्चन आते थे आउट ऑफ 50। मतलब इसका वेटेज अगर आप देखो तो 10% भी नहीं होता था करंट अफेयर्स का। लेकिन 2016 में जैसे ही ऑनलाइन हुई एग्ज़ाम, तो ऑनलाइन होने से क्या हुआ, उसके बाद से करंट का वेटेज बढ़ा है काफ़ी, और करंट के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आते हैं।
अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस में ये बहुत कम संभावना होती है कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेट कर रहा है, वो क्वेश्चंस को फ्रेम करे। फ्रेम करने का मतलब क्वेश्चंस को बनाना, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से कोई टॉपिक निकाल के उससे क्वेश्चन बना करके चार ऑप्शन बनाए, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों ऐसा होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्वेश्चन नहीं बनाए जाएंगे, नए क्वेश्चन बनाते होंगे डेफिनेटली, लेकिन कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, या तो वो पुराने पेपर से रिपीट होंगे या किसी सोर्स से उठाए हुए होंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्स होते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, वहाँ से उठाए होंगे। ठीक है, मैं आपको, मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं, मैं आपको क्लियर करता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस से बोल रहा हूँ कि लगभग 20 से 25 शिफ्ट होती है एग्ज़ाम की, हर एक शिफ्ट में इनको कम से कम 1500 क्वेश्चन तो देना पड़ेंगे स्टैटिक के, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये नहीं करेंगे, पॉसिबिलिटी यही होगी कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उसको बोरो किया जाएगा। तो जैसा वो एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है, हमें भी इस समय में, इस समय के लिए वही स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। हमें डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे ही फोकस करना चाहिए, और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम मेमोराइज़ कर सकें। मतलब कि आपको टारगेट करना चाहिए, अभी से आप स्टार्ट करते हैं आज ही से, तो आपको एग्ज़ाम होने तक 10,000 क्वेश्चंस कम से कम मेमोराइज कर लेना है, 10,000 क्वेश्चंस मेमोराइज करना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी सोर्स को आप उठा रहे हैं जिसमें, जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, जैसे कि स्पेशली आप बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, जो पुराने क्वेश्चन है वो काफ़ी मात्रा में रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो हम पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ही जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को उठा करके प्रैक्टिस कर लें और मेमोराइज कर लें, तो काफ़ी हद तक ये संभावना बन जाएगी कि हमारा स्कोर बढ़ सकता है, क्योंकि या तो वो क्वेश्चन आता है या उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, तो आप पेपर को सॉल्व करने की हालत में आ जाओगे। और अगर मैं आपको टारगेट दूं कि आप एटलीस्ट 10,000 क्वेश्चंस को मेमोराइज करो, तो आपको सुनने में ये लगता है कि बहुत ही भारी पहाड़ जैसा काम होगा, 10,000 क्वेश्चंस को मेमोराइज करना, याद करना इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन ये आपको पॉसिबल मैं बना सकता हूँ अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर चलो। तो दोस्तों आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। अब 100 क्वेश्चन को भी आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट बनाना होगा। जैसे कि आप क्या करो, एक्चुअली आप जब सोचते हो ना कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये पॉसिबिलिटी आपका माइंड आपको मना कर दे। हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, जैसे हमारे सामने कोई बड़ा काम आता है, तो ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि हमारा विल पावर इतना ना हो और हम उस काम को ना करें, बट उसको हम छोटे पार्ट्स में अगर ब्रेक कर लें तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से उस काम को हम कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, 100 क्वेश्चंस डेली का टारगेट बनाइए, आपको 100 से ज़्यादा नहीं करना है, और उन 100 क्वेश्चंस को आप 10-10 क्वेश्चंस के स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। मतलब कि एक बार में आपको 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, दैट्स इट। 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आप ब्रेक ले सकते हो 2-3-5 मिनट का, फिर अगर वापस 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 क्वेश्चन को दोस्तों आपको सॉल्व कैसे करना है, पहली बात तो ये, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, ये सवाल होगा कि क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है मोर देन 10,000 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हैं, उसका पीडीएफ दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट तो ये करूँगा कि उस बुक को आप परचेज कर लो, कहीं भी आपको ऑनलाइन या अमेजन पर मिल जाएगी, तो उस या जहाँ भी आप रहते हैं मार्केट में आपको आसपास मिल जाएगी, क्योंकि तो फिजिकली पढ़ने का एक एडवांटेज है, मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा क्यों। तो उस बुक का परचेज कर लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के हैं, वो टॉपिक वाइज हैं, मतलब टॉपिक हैं अलग अलग, ज्योग्राफी के अलग क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री के अलग होंगे, पॉलिटी के अलग होंगे, इस प्रकार से। तो आप क्या कीजिए, 10-10 क्वेश्चंस के स्लॉट बनाइए, एक बार में 10 सवाल सॉल्व करना है बस। अब सॉल्व करने का मतलब क्या कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए 10 क्वेश्चंस को, और ध्यान से पढ़ के कोशिश कीजिए ये सवाल निकालने की आपको आता है कि नहीं आता है, मतलब कि ये आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, आपको ये देखना है कि क्या इसका आंसर आपको आता है। देखिए हो सकता है आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हों, आप उसके आंसर जानते हों, अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं उस क्वेश्चन के ऊपर कि इसका आंसर यही है, तो उस क्वेश्चन को आप पेंसिल से काट दीजिएगा। पेंसिल से काटना क्यों, क्योंकि आप वो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है, वो नॉलेज आपके माइंड में ऑलरेडी है, तो इसको आपको रिपीट नहीं करना, आपको रिवाइज नहीं करना, ये तो आपको पक्के से पता है। तो ऐसा आपको करते जाना है, पूरा पेपर आप 10 क्वेश्चन देखना है, 10 क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसके बाद में अच्छी तरह से सॉल्व कर लेने के बाद आप उसके सॉल्यूशन देखिए, और सॉल्यूशन देखते समय दोस्तों थोड़ा फोकस ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या, हमने क्वेश्चन पढ़ा था और उसका आंसर क्या है। बुक्स में क्या होता है ना, डिटेल में सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो डिटेल में होगा, तो उस डिटेल्ड सॉल्यूशन को आप पढ़िए अच्छे से। ऐसे क्या करा, आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, 10 क्वेश्चन के आपने सॉल्यूशन देख लिए, तो ज़्यादा संभावना होगी वो आपको आंसर याद हो जाए,
क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने में आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और पॉसिबिलिटी होती है कि आप ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पढ़े, 10 क्वेश्चन पढ़ के उसके सॉल्यूशन देखे, वहीं के वहीं उसको रख दिया। अब अगले 10 क्वेश्चन देखे, फिर अच्छे से सॉल्व करे, जो आपको आता था उसको आपने पेंसिल से क्रॉस कर दिया, उस क्वेश्चन को आपको रिपीट आगे नहीं करना है। ऐसे करते करते आपको 100 क्वेश्चन करना है एवरी डे, 10 10 क्वेश्चन के स्लॉट में। अब अगर मैं टाइम की बात करूं, अगर आप ये समझने की कोशिश करोगे टाइम कितना लग रहा है, तो दोस्तों मैं आप खुद ही बताओ कि आपको 10 क्वेश्चन पढ़ना है, आपको हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे और सॉल्यूशन देखने में लगभग उतना ही समय लग रहा है। तो आप आराम से 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन खत्म कर सकते हो ईजीली। ये मोर देन इनफ टाइम है, काफ़ी ज़्यादा समय है, 2 घंटे, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। ठीक है, आपने ये कर लिया, बस आपका आज का काम खत्म हो चुका है। अब आपका पर्पस क्या है दूसरा? ये जो 100 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं और इनके सॉल्यूशन आपने पढ़ लिए हैं, आपने एक एक बार पढ़ तो लिए ध्यान से, अब ये आपको परमानेंटली मेमोराइज कैसे हो जाएं, ये हमारा पर्पस है। तो आप जब नेक्स्ट डे नए 100 क्वेश्चन उठाओगे, उसके पहले आपको इन 100 क्वेश्चन को एक और बार फिर से सॉल्व करना है। मैंने क्या कहा, सॉल्व करना मतलब सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्योंकि आप एक दिन पहले सॉल्यूशन देख चुके हो सारे क्वेश्चन के, तो कहीं ना कहीं आपको याद होंगे जो क्वेश्चंस आपको आते थे उसको तो आपने क्रॉस कर दिया, उनको तो आपको देखना नहीं है। लेकिन जो नए वो क्वेश्चंस जो आपने पढ़े थे आपको नहीं आते थे, उनके सॉल्यूशन आपने देखे थे और उनको समझा था, टेक्स्ट में अच्छे से समझा था, वो आप वापस से सॉल्व करोगे तो क्या होगा ना, वो आपका ऑटोमेटिकली रिविजन हो जाएगा और जो आपने सॉल्यूशन एज इट इज़ याद किया था या पढ़ा था वो आपको मेमोराइज हो जाएगा अपने आप नेक्स्ट डे। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद इसी को एक दिन छोड़ के आपको करना है, मतलब कि जिस दिन आपने सॉल्व किया उसके नेक्स्ट डे आपने रिवीजन किया, सेकेंड डे, उसके बाद आपको यही चीज़ रिपीट करनी है फोर्थ डे, फिर आपको रिपीट करनी है 8th डे, उसके बाद फिर आपको करनी है 15th डे। ऐसे आप खुद अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लीजिए, लेकिन 5 से 6 बार उसको आप रिपीट करिए। जब आप उसी पैटर्न में उसी फैशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको एक बार वो पढ़ा हुआ जो सॉल्यूशन है वो बार बार मेमोराइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और ये पॉसिबिलिटी है कि आप रेगुलर इंटरवल्स में पीरियोडिकली इसको ऐसा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको याद हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों लगता है कि 100 सवाल ज़्यादा है दिन के या कम है, तो आपकी चॉइस है, आप उसको 50 कर लो, 150 कर लो, ठीक है, लेकिन ऐसा करना जरूर। आपको देखने में बड़ी सिंपल सी चीज़ लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सा, इससे क्या होने वाला है, लेकिन अभी आप देखो, अगर आप डेली मान लो 50 भी करते हो, 50 क्वेश्चन आप डेली कर रहे हो और इसको पीरियोडिकली इस प्रकार से रिवाइज करते करते आप ले जा रहे हो, मतलब अपनी मेमोरी में परमानेंट डाल रहे हो, और कभी भी आप रटने की कोशिश करते हो ना, घूम घूम के रटते हैं, इससे कभी याद नहीं होता, नेचुरल तरीके से चीज़ें जो पढ़ी जाती है वो याद रहने की संभावना ज़्यादा होती है। स्पेशली कोई चीज़ जब आप क्वेश्चन करके पढ़ते हो तो आपके माइंड क्यूरियस होता है, आपके माइंड सवाल जानना चाहता है, उस सवाल के जवाब हमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी की याद रहें। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मेमोराइज करने का, याद रखने का। अब मिनिमम चलो आप 50 क्वेश्चन भी डेली लेते हो, तो आज से 150 दिन हम लेते हैं टारगेट, 150 दिन में हमें ख़त्म करना, तो कितने होते हैं, 7,500 क्वेश्चन, 7,500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आपको मेमोराइज होंगे। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आपको जो सॉल्यूशन है वो एज इट इज़ याद हो जाएंगे, 2 3 लाइन का सॉल्यूशन आपने पढ़ा है वो भी आपको याद हो गया, नॉट नेसेसरी कि चलिए वही क्वेश्चन आए, लेकिन उससे मिलता जुलता, उसके कॉन्सेप्ट्स के मिलता जुलता भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो ये बहुत ही सही तरीका है, सटीक तरीका है इस समय पढ़ने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इस समय की स्ट्रेटेजी हमारी ये होना चाहिए कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे फोकस करें और उनके थ्रू पढ़ने की कोशिश करें सारे सब्जेक्ट्स को, यानी कि हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, साइंस को, उनके क्वेश्चंस के थ्रू याद करने की कोशिश करें, कि ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। 2 फायदे इसमें हो रहे हैं, एक तो हमारा सब्जेक्ट कवर हो रहा है और दूसरा हमें एग्जाम में क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है, हमसे कोई वर्बली कोई वाइवा नहीं ले रहा, ओरल एग्जाम नहीं हो रही है, हमें MCQs ही सॉल्व करना है, तो क्यों ना इसकी तैयारी MCQs के थ्रू ही की जाए। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको आज से ही अप्लाई करोगे, बिकॉज ये बेस्ट तरीका है, इसमें आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने मिडिवल हिस्ट्री उठा ली, लूसेंट उठा ली, लूसेंट पढ़ना बैठ गए, एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, बोरिंग फील होगा आपको, आप बोर हो जाओगे, अगर आपका मन करेगा जाना तो बहुत सारा सिलेबस है, तो क्या आपको पहाड़ जैसा सिलेबस दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको टारगेट दे दिया है 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन, और वो भी आपको करना है 10 10 के स्लॉट में, तो ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट बना रहेगा और टारगेट क्योंकि छोटा है तो अचीव करने में आसानी होगी, माइंड आपका मना नहीं करेगा, आपको आलस नहीं आएगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि क्यों ना करें, आपको लगेगा कि छोटा सा काम है करके ख़त्म करते हैं।
ठीक है, तो स्ट्रैटेजी जीके का मैंने आपको बता दिया है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना और आप आज से ही स्टार्ट कर देना ताकि आपके दिन काउंट होना शुरू हो जाएं और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में मेमोराइज आप हो सकते हैं वो कर लें, क्योंकि तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के आप पेपर्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, तो कम से कम वो तो हमसे नहीं छूटना चाहिए कुछ भी हो जाए। और जितना मेरा अनुभव है मैं आपको बता सकता हूँ आपका बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा इस तरह की तैयारी करने से, अच्छा खासा स्कोर आप स्टैटिक वाले पार्ट में कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, करंट को तैयार कैसे किया जाए। भाई करंट का तो बहुत बड़ा इशू है, और फिर होता क्या करंट के साथ में, हम जब एंड मोमेंट पे जाते हैं, एग्जाम आने वाली 1 महीना बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं सोर्सेस, वेबसाइट ढूंढते हैं या कोई सोर्स ढूंढते हैं जो हमको 1 साल का करंट बता दे। मतलब अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में है तो आप पूछते हो कि करंट कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी कभी भी एग्ज़ाम होती तो उसका 1 साल का कम से कम आप ले लो, मतलब कि अप्रैल से आपको करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए। बट हम अगर एंड मोमेंट पे इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो हम बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, क्योंकि वो समय आपका रिविजन का होता है, उस समय आपको क्वांट के क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इंग्लिश अच्छे से करना है, डेली प्रैक्टिस सेट्स आप सॉल्व करोगे, अपने आप को इवेल्युएट करोगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप नई चीज़ उठाना समझदारी नहीं होती है। अभी जो समय बचा हुआ है लगभग 5 महीने हैं, 5 महीने में आप करंट अफेयर्स के तैयार कैसे कर सकते हो, तो स्मार्टली आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली चीज़ करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है आपको ये समझना चाहिए। करंट अफेयर्स वही हो रहा है जो डेली इवेंट्स हो रहे हैं देश और दुनिया में। अब आप डेफिनेटली एक न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होगे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर, तो भैया उसी को अच्छे से पढ़ लो, उसके अंदर कई सारे इवेंट्स और न्यूज़ आती है डेली बेसिस पे, आपको करना कुछ नहीं, कॉपी बना लो करंट इवेंट्स की, करंट अफेयर्स की, और डेली जो पेपर आप पढ़ रहे हो, इस इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप इंग्लिश वाला पढ़ो, आपको हिंदी वाला अच्छा लगता है हिंदी वाला पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर से आपको करंट अफेयर्स की इवेंट्स निकालना आना चाहिए। तो डेली आप कॉपी बनाओ, डेली कॉपी एक बनाओ, और आप ये कोशिश करो कि इसमें से मुझे एटलीस्ट 10 इवेंट्स निकालना है। 2 से 3 पेजेस आप भर सकते हो डेली बेसिस पे, लेकिन आप 10 10 इवेंट निकालने की कोशिश करो जिससे आपको लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। डेली अगर आप 10 इवेंट निकालते हो तो आपका अच्छा खासा करंट अफेयर तैयार होगा, और जब आप कॉपी बनाओगे और अपनी हैंडराइटिंग में उसको लिखोगे ना दोस्तों, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ याद आएगी जो आपकी हैंडराइटिंग में आपने लिखी हुई है, उसको पढ़ने में उसको समझने में सबसे ज़्यादा आपको ईजी होगा बजाय कि आप प्रिंटेड मटेरियल पढ़ो। तो अगर आप इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, वहाँ तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है, ग्रामर भी इंप्रूव हो रही है, और साथ में आपका करंट भी तैयार हो रहा है। लेकिन आपको लगता है कि आपको नहीं पढ़ना है तो हिंदी का जो न्यूज़पेपर आपके घर में आता होगा, आप देश में जहाँ भी रहते हैं आपके घर में पेपर तो आता ही होगा न्यूज़पेपर, तो उससे आप तैयार कर सकते हो, उसमें आपको इररिलेवेंट न्यूज़ नहीं पढ़ना, बस आपको सिर्फ काम की न्यूज़ पढ़नी है। बाकी करंट को न्यूज़पेपर से कैसे तैयार कर सकते हैं इफेक्टिवली, कि हम मतलब कोई इररिलेवेंट न्यूज़ या इररिलेवेंट नोट्स ना बनाएं, जितने नोट्स हम बना रहे हैं बहुत रिलेवेंट हों, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज शाम तक या कल तक मैं इसको करंट अफेयर्स के लिए वीडियो बना दूंगा, और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको न्यूज़पेपर के अंदर से ही हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, पॉलिटी के ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैसे निकालनी है। मतलब 10 से 12 इवेंट्स आप डेली अगर निकालते हो, अपने नोट्स बनाते हो, हैंड रिटन नोट्स बनाते हो आपके खुद के, तो वो कैसे कैसे आप बनाओ कि वो सारे के सारे न्यूज़ रेलेवेंट वाली हो, इररिलेवेंट न्यूज़ ना हो, उसके लिए जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा आज शाम तक या कल तक आपको वीडियो मिल जाए करंट अफेयर्स वाली। बट जो स्टैटिक वाला पार्ट है दोस्तों, आपको प्लीज़ आज से स्टार्ट कर लो ताकि आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाए, और पॉसिबली आप 1 नंबर भी आज की मेहनत से कमा पाओगे तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल चाहिए, फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, तो ज्ञानशाला.com पर जाकर आप ले सकते हो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।